हाय गाइस, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। और मैं हंसी से ले रही हूँ क्योंकि आज मैं बहुत दिनों बाद आई हूँ किचन। आज मैं बनाने जा रही हूँ खाना। पता नहीं कितने दिनों बाद मैं किचन में आई हूँ और कितने दिनों बाद मैं खाना बना रही हूँ। तो आज मेरा खाने में बनने जा रहा है मिरामिस, ठीक है, क्योंकि मुझे मिरामिस खाने का मन हो रहा है। तो आज मेरा सूट भी नहीं था तो मैंने सोचा कि क्यों ना मैं खाना बनाऊं। तो आज मैं बनाने जा रही हूँ डोगा, जो कि मेरा फेवरेट है। ये है डोगा, इसकी मैं बनाऊंगी सब्जी। और मैं कैसे बनाती हूँ आप जरूर देखना, ठीक है। और मैं खाने में क्या क्या बनाने वाली हूँ वो भी आप जरूर देखिएगा। और मैं आप बोलिएगा कि आपका भी फेवरेट है क्या डोगा, ठीक है। तो गाइस चलो मिलते हैं, चलो काम करते हैं, ठीक है। तो मैंने डोगा धो दिया है। डोगा ये लाव का डोगा है, आप लोगों को पता ही होगा। और ये हमने लाया है कल जब हम जलपेश गए थे वहाँ से। तो मैंने दो तीन बार इसको धोया है, फिर मैंने इसको पानी में भिगो के रखा है। फिर जब मैं पकाऊंगी उसके बाद फिर ये यहाँ से डाल के पकाऊंगी। और अब मैं बनाने जा रही हूँ पहले चावल। आज मैं चावल जो है कुकर में बिठाऊंगी, एक सीटी लगेगा, मेरा खाना रेडी, ठीक है। ये ले लिया है मैंने चावल, अब मैं इसको धोऊंगी उसके बाद बिठा दूंगी, ठीक है। तो मैं ये ड्रेस पहन के आ गई, ठीक है, क्योंकि वो ड्रेस में कुछ अच्छा नहीं लग रहा था। और अब मैं धोने वाली हूँ चावल। तो पहले अपना हेयर में फ़ोन रख देती हूँ, कहाँ रखूँ। मैंने बोला दीपक को कि ब्लॉग बना दो, माना ही नहीं। तो गाइस मैं ये ड्रेस थोड़ा पहन के आ गई, अब मैं धोने वाली हूँ चावल, ठीक है। उसके बाद मैं चावल बिठा दूंगी, तब तक फिर मैं डोगा भी रेडी कर लेती हूँ बनाने के लिए। एक साइड में जल्दी जल्दी बनाना है। कभी कभी मेरा मन कर जाता है कि मैं काम कर लूँ, वैसे कभी 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 होता है, महीने में एक दफा मैं थोड़ा मुझे काम करने का मन हो जाता है। और वैसे तो मैं काम करती नहीं हूँ, पहले बहुत करती थी, अभी नहीं करती। क्यों नहीं करती अभी? क्योंकि अभी ना अभी जो है अभी मैं क्यों नहीं करती काम, क्योंकि टाइम ही नहीं मिलता। सुबह उठती हूँ, सूट जाती हूँ, बता दिया और अच्छे से पक भी जाता है। तो चलो हम बिठाते हैं। इसको लगाना है ढक्कन और ऑन करना है गैस। बस झमेला खत्म। अब जब एक सीटी लग जाएगा ना इसका, तो गैस का जो है वो गैस का आँच बोलते हैं या क्या बोलते हैं, आप जो आग जलता है उसका आँच जो है ऐसे करके कम कर देना होता है। 5 मिनट कम कर दो, उसके बाद चावल रेडी। अब चावल मेरा बैठ गया है, अब मैं बनाने वाली हूँ ये डोगा। डोगा के लिए मैं क्या क्या करने वाली हूँ, आगे कैसे प्रोसेस होता है मैं आपको दिखा दूँ, ठीक है। तो चलिए देखते हैं। तो यहाँ पे है अदरक लहसुन, और यहाँ पे लेना है मुझे एक लहसुन, ठीक है, एक लहसुन लेना है। उसके बाद यहाँ पे कुछ नहीं डाला जाता है डोगा में, एकदम कम मसाले में बनाया जाता है, एकदम प्लेन सादा। और यहाँ पे मैंने लिया है कुछ हरी मिर्च, यहाँ पे हरी मिर्च का ही यूज करेंगे ना तो अच्छा होगा। ये रहा मेरा हरी मिर्च, ठीक है। थोड़ा मैं तीखा पसंद करता हूँ तो मैं और थोड़ा डाल देती हूँ।
और ये है ये हरी मिर्च लहसुन, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे डलेगा ये देखो, ये है सरसों। अब यहाँ पे डलने वाला है सरसों, यही है इसका मेन, ये मसाला है। और इन मसालों में मैं कुछ ऐड करने वाली हूँ अपने तरफ से, जो कि मैं बोलूँ डोगा में इतना ही मिला दो ना, यही बहुत बड़ी बात है, यही डाला जाता है। और काली मिर्च अब जब छौंका लगाते तब, लेकिन मैं यहाँ पे कुछ ऐड करने वाली हूँ, ठीक है। ये देखो गाइस, मैंने ले लिया है चुटकी भर जीरा। जीरा आप ना डालो तो भी अच्छा ही होगा, लेकिन मैं थोड़ा डाल देती हूँ जीरा। तो चलो इसे पीसा जाता है, पीसा जाए, इसको पीसने हैं, पीसना है। अब मैं इसको पीसने वाली हूँ, ठीक है, और पीसने वाली हूँ। दीपक को बुला के आती हूँ, देखना वो आएगा ही नहीं। ओ जुम मो ब्लॉग बनाओ देसु कुछ तो बकवास। सब लोग काम कर रहे हैं, दीपक करेक्शन कर रहे हैं, मम्मी पोछा लगा रही है, मैं खाना बनाने जा रही हूँ। हम लोगों के घर में ना सब लोग काम करते हैं, सब लोग काम करते हैं सब। तो इसको मैं पीस लेती हूँ, तब तक ना आप लोग रहो, ठीक है, पीस के मिलते हैं। मेरा जो ये सीटी लग चुका है वो भी दो बार लग गया है, क्योंकि मैं मसाला ये पीस रही थी तो इसीलिए दो बार सीटी लगा है, फिर मैंने कट दिया है। ये देखिए इसी तरह से काम करना है। अब ये पक चुका है, अब हम बनाएंगे डोगा। सबसे पहले मुझे करना क्या है, सबसे पहले दूध और खोलना है। फिर इसे यहाँ पे रखना है तकरीबन 5 मिनट तक। पता नहीं और क्या बनाए, हमने बिठाना है ऐसे कढ़ाई, कढ़ाई मैंने बिठा दिया है। अब हम डालेंगे ऑयल, ये है ऑयल जो कि हमने रखा है हॉर्लिक्स के डब्बे में, जो कि मम्मी ने खाया है। यहाँ पे हमने डाला बस इतना ऑयल, हमने डाला ऑयल। फिर अब हमें ये डालना है, इसको कहते हैं पांच फरन, हम लोग तो पांच फरन ही कहते हैं, आपको पता नहीं क्या कहते हैं, पांच फरन इसको डालना है। पहले ये झोंका लगाना है, तेल गरम हो चुका है, अब हम डालेंगे ये मसाले। ये देखो हमने डाल दिया है, अब इसके बाद हम डालेंगे ये, इसको डालना है यहाँ पे। पहले ये ढक्कन लगा देते हैं, साइड कर देते हैं, ठीक है। अब हम ये डालेंगे, ठीक है। ये ब्लॉग कैसे बनाऊंगा मुझे समझ में ही नहीं आ रहा है, दीपक को भी अभी करेक्शन करना है। मुझे सब पता है ये कोई करेक्शन वरेक्शन है नहीं, उसको बस ब्लॉग से दूर भागना होता है, इसीलिए अब मैं ये बनाने वाली हूँ। क्या ये देखो, ये मैंने डाल दिया, ठीक है। अब इसमें डालने वाला है हल्दी नमक, बस हल्दी और नमक। ये ब्लॉग में जैसे बना रही हूँ ना, कभी फोन इधर कभी इधर कभी समझ में नहीं आ रहा है। अब मैं डालूंगी हल्दी, ये हम भारतीय क्या इंडियन लोग पता है, कुछ भी चीज वेस्ट हम होने नहीं देते। मेरे घर में ये नहीं, हॉर्लिक्स के डब्बे में है ऑयल, और ये जो है आपने देखा होगा बर्तन मांजने वाला है, तो वो जब ख़त्म हो जाता है हम अच्छे से धो के इसको हम ऐसे टिफिन ऐसा ऐसे क्या नाम है इसका
डब्बा यूज करते हैं जिसमें हम हल्दी कुछ ऐसे यूज कर पाए, तो यही है हम भारतीय लोग। कुछ भी वेस्ट नहीं करना होता है, हमें हमेशा डालना होता है, मतलब यूज करना होता है। मेरा ना हिंदी ना बहुत ही खराब है, क्योंकि मैं नेपाली हूँ ना, आप लोगों को तो पता ही है मैं नेपाली हूँ, और हिंदी मेरा उतना अच्छा है नहीं, बात मैं नहीं कर पाती हूँ अच्छे से। जैसे कि आप लोग बात करते हैं ना हिंदी में, तो मैं उतना अटक अटक के बात करती हूँ। अब मैंने डाला है नमक, ठीक है, तो क्या करूँ मैं, मुझे लगता है कि कब मेरा ये हिंदी जो है ना वो कब ठीक होगा, समझ में नहीं आता कि कब मेरा हिंदी ठीक होगा। तो मैंने हल्दी और नमक डाल दिया है, अब देखो इसका नज़ारा क्या हुआ है। तो गाइस ये कुछ इस तरह का दिख रहा है, अब हम इसको चलाएंगे, ठीक है, अच्छे से कैमरा पकड़ के ऐसे चलाना ना, सच में इतना डिफिकल्ट हो रहा है। हम करेंगे करना है, देखो हल्दी और नमक डालने के बाद ये साग से जो है ना वो पानी निकलता है, ठीक है, वाटर अंग्रेज चले गए, नमूने छोड़ गए, वाटर निकलता है वाटर। हम इसको पकाएंगे अच्छे से, नहीं हम कच्चे खाएंगे, पक गया तो अभी डाल। अब हम यहाँ पे क्या करना है पता है, ये जो है ये पानी जो है वो निकला ही है, ठीक है, अब हम ऊपर से इसे ये जो मसाला जो मैंने अभी पीसा था ना उसको हम यहाँ पे डाल देंगे। मसाला में मैंने आपको तो दिखाया ही था कि कैसे क्या है। मम्मी एक्चुअली डोगा मम्मी तो ऐसे ही बनाती है, मुझे भी लग रहा है कि ऐसे ही बनता है, तो मैं डाल देती हूँ पानी में, क्योंकि सूखते अगर ये पानी सूख गया और ये हमने बाद में डाला तो फिर ये जो है पक जाएगा और ये कच्चा रह जाएगा, इसलिए हमें ये साथ में ही डालना है इस तरह से डालना है। और हल्के आंच में पकाना है, बकवास, थोड़ा यहाँ पे और हल्के हाथों से इसे क्या बोलते हैं, ये सब हल्के। अब ये हो गया है, ठीक है, यहाँ पे जितना कुछ भी डालना था वो डाल चुका है, अब हम इसको अच्छे से चलाएंगे पहले तो, ठीक है, ये देखो ना आलू डाले गैस के हीट को कम करना है। ओ हम इतना भी नहीं आता है गैस, हीट तो पता था लेकिन हीट तो गर्म बोलते हैं गैस, आज को इंग्लिश में क्या बोलते हैं पता नहीं, फ्लेम फ्लेम हां आग बोलते हैं, आग बोल फ्लेम 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 नहीं बोलते, इसको इस तरह से ढकना है, आपको तो पता ही बोलते हैं। अब इसको पकने देना है, आराम से पकने देना है, हल्के यहाँ पे मेरा जो भात है वो भी पक गए, तो ये हम इसको बंद कर लेते हैं, ये चावल बोलते हैं नेपाली में, भात है बंद, भात बाकी रहेगा ठीक से, अब ये बंद बंद कर चल। अब क्या करें, अब थोड़ा रेस्ट करते हैं, हृदय हृदय ना के पानी पीरा लुले छे मायो, ये मायो है जिसका पूछा मैंने चल दिया था, ये मियाओ मियाओ करके भाग रहा है मायो,
हेलो बोलो, हेलो हेलो, यहाँ देखो भाई भाई, हेलो मायो सही है भाई। पप्पू कर दो, पप्पी पप्पी कर दो, पप्पी कर दो। दोगारू हाँ पापड़ भाजन करू डोगा। मैं बोलूँ मैं तो डोगा से ही खाना खा लेती हूँ, मुझे नहीं चाहिए कुछ भी। मैं आई लव डोगा। डोगा मैं बनाऊंगी चटनी जो कि है बादाम और टमाटर की चटनी, ठीक है। आप लोग खाते हो ना मोमो में जब मिलता है ना चटनी बादाम और उसकी चटनी, कैसे बनाते हैं वो मैं आपको बताऊंगी, ठीक है। तो आप वीडियो देखो तभी पता चलेगा कि वो बादाम की चटनी कैसे बनाया जाता है, और आप भी घर में बैठ के वो बना के खा सकते हैं, ठीक है। तो अब पक रहा है, अब मैं क्या बनाऊंगी, पापड़ चटनी, बस वैसे करके खाएंगे। डोगा डोगा मुझे बहुत पसंद है डोगा। तो गाइस चलो अब हम इसको देखते हैं कि इसका कंडीशन क्या हुआ है। सुबह गर्म ओ जय माता दी, तोबा तोबा तोबा, बहुत ही मस्त बनाए। मैं जाऊँगी थोड़ा थोड़ा चला के आती हूँ। लो लो तब तक आप मेरा मोबाइल, चलो आ जाओ आ जाओ आ जाओ ब्लॉग बनाते, चलो चलो। तो गाइस यहाँ पे ना ये इसका ये कंडीशन कुछ ऐसा है, ठीक है। यहाँ पे कुछ भी डालना नहीं होता है, बस यही। यहाँ पे देखो ये जो पानी है ना, अभी तक उतना वो कमा नहीं है, क्योंकि हमने बहुत ही आँच बहुत ही कम कर दिया था, क्योंकि कम आँच में पकाना होता है। मैं बोलूँ आलू मस्त पक गया है, ये भी मुझे पता है पक गया है। और अब हम इसको, मैंने गैस का जो है ना ये जो है वो बड़ा कर दिया है, बड़ा मतलब हाई कर दिया है, सॉरी। ये भगवान मेरी हिंदी तो नहीं, माँ कसम मेरे हिंदी सुने माँ चेर बेहोश सुनता हूँ। प्लीज आप लोग बेहोश मत होना मेरा हिंदी सुन के, क्योंकि क्या करें हमारा हिंदी है कुछ ऐसा। प्लीज हमें माफ कर देना, मेरा हिंदी बहुत ही गंदा है, आई एम सो सॉरी, माफ कर देना। मेरा हिंदी के वजह से ना दीपक मुझे बहुत चिल्लाता है मुझे, तुम पता है तू क्या बात करती है, तू बात ही मत कर, तू हिंदी बोल ही मत, तू बोल ही मत, हमें क्षमा कर दे, मेरी हिंदी बहुत ही। बोल क्यों नहीं रहे हो, हंस क्यों रहे हो पीछे से, बोलो क्षमा कर दीजिए। मनु ना कहीं था मनु मेरे हिंदी के बारे में कुछ तो बोल दीजिए कि मेरा ये क्यों होता है, मेरा ये हिंदी बोलने में इतना दिक्कत। छोटे में भिंडी बहुत खा रहे ना, इसलिए हिंदी बोलते हुए टंग स्लिप हो जाता है भिंडी की तरह। नेपाली में मलाई बोल्नु ना, उन्होंने यस्तो बोल्छु कि बाप रे बाप, ऐसे बात करूंगी ना नेपाली में, नेपाली में भन्नु तपाई, ऐसे बात करूंगी, ऐसे बात करूंगी, जैसे कि पॉपकॉर्न ऐसे गरम 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 के मारे कुकरमा, जस्तो तातो कुकरमा जसरी त्यो के भन्छ त्यो पपकर्न हाल्छ नि पटपट 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 बच्छ नि, त्यस्तो म हिन्दी बोल नेपाली बोलिदिन्छु, नेपालीमै बात करके दिखाऊ। हाँ अम्मा मामा मामा, अब मेरा लैंग्वेज है ही नहीं हिंदी, तो क्या बोले, मैं नेपाली में बात करते आई हूँ तो अचानक से मैं हिंदी बोल रही हूँ तो अटक ही जाऊंगी ना। तो इसलिए मैं तो चाहती हूँ कि नेपाली में आप लोग प्लीज नेपाली सीख लो ताकि मैं फरट्टेदार ऐसे बोल सकूँ, प्लीज नेपाली सीख लो ताकि मुझे भी, मैं भी नेपाली में बात करूँ और दिक्कत ना हो, आप लोग समझ पाओ कि मैं क्या बोल रही हूँ, क्योंकि जब मैं नेपाली में बात करती हूँ आप लोग कुछ समझते नहीं हो तो मुझे बहुत बुरा लगता है। तो वो बात करके क्या फायदा अगर मैं नहीं, जैसे कि कोई अगर हमारे सामने कोई आके दूसरे लैंग्वेज में कुछ अलग से चाइने वाले आके हमारी इंग्लिश चूचा करने लगे तो क्या हम समझेंगे, बेस क्या आज बीन बजाना ही हो जाएगा। तो प्लीज आप लोग नेपाली में नेपाली सीख लो, हाँ मुझे हिंदी आने वाली तो है नहीं, तो आप लोग नेपाली सीख लो मुंडी की आप कट। गाइस ये धुआं देख रहे हो आप, ये डोगा का धुआं, ये देखो डोगा पक चुका है। अब मैं इसको खाने वाली हूँ कि क्या है इसका टेस्ट, तो बहुत गर्म है।
गजब। आपको भी पसंद है डोगा? कहाँ दिखाई, किधर किधर है? किसी किसे पसंद है डोगा प्लीज बताना। मुझे तो बहुत पसंद है, आई लव डोगा। कुछ डालना नहीं होता है, बस इतना सिंपल सा बनाना है, फिर भी इतना अच्छा, इतना टेस्ट होता है ना कि हम आपको क्या ही बताएं। ओह माय गॉड, गाइस आपने ना मोमो तो खाया ही होगा बाहर, और वहाँ पे चटनी भी खाया ही होगा, तो वो बादाम की चटनी मिलती है, तो आप लोग देखो कि बादाम की चटनी कैसे बन गई। ये मैंने बादाम को रोस्ट कर लिया है, ठीक है, अच्छे से। अब मैं यहाँ डालने वाली, ये है टमाटर, ठीक है, अंदर मैंने रखा है 2-3 हरी मिर्च। ये हरी मिर्च के अंदर जो है थोड़ा सा मैंने ऐसे मैंने ऐसे करके फोड़ दिया ताकि वो छिटके ना। अब यहाँ पे हो रहा है गरम, ऑयल हो रहा है गरम। अब हमें इसको भी फ्राई करना है, ठीक है। ये देखो इस तरह से इसको फ्राई करना है, ठीक है। आप चाहे तो हरी मिर्च के जगह लाल मिर्च डाल सकते हो, लेकिन मैं नहीं डाल रही हूँ, क्योंकि ना मैं लाल मिर्च खाने से ना मेरा पेट जल रहा है। पहले मैं बहुत खाती थी, अभी मैंने कम कर दिया है क्योंकि बहुत जलता है। तो इसको फ्राई करना है अच्छे से, ठीक है, फिर रोस्ट करना है। आप लहसुन डाल सकते हो, दो पूड़ी ऐसे छोटा छोटा। मैं नहीं डालती, मुझे पसंद नहीं है लहसुन, तो मैं नहीं डालती। और इसको पीसना है, बन जाता है चटनी, आराम है, बहुत इजी है, आप बनाओ खाओ घर में मस्त। तो या गाइस अब आ रही है, बना रही है राखी, बेसन का पकोड़ा। राखी है दीपक है घोड़ा, बेसन का पकोड़ा दीपक है घोड़ा, बेसन का पकोड़ा दीपक है घोड़ा। टकबक टकबक उई टकबक टकबक, क्या बना रहे हो वैसे? बेसन का पकोड़ा। अरे बेसन का सिर्फ पन्ना पकोड़ा था, उसमें कुछ डालोगे ना गोभी? ये है बैंगन का पकोड़ा, बैंगन का पकोड़ा, बैंगन का पकोड़ा। और यहाँ पे मैंने डाला है, दिखाओ ना यहाँ पे मैंने क्या डाला है। यहाँ पे मैं बता देती हूँ, यहाँ पे मैंने डाला है थोड़ी सी चुटकी भर हल्दी, थोड़ा सा नहीं स्वाद अनुसार नमक। उसके बाद मैंने डाला है यहाँ पे थोड़ा सा लाल मिर्च, उसके बाद थोड़ा सा। उसके बाद मैंने यहाँ पे डाला है स्पेशली ये अजवाइन, थोड़ा सा अजवाइन, इससे फ्लेवर आता है सच में। अजवाइन और बनेगा इसका पकौड़ा। ये चटनी के लिए रेडी हो चुका है, मूंगफली मिर्च और टमाटर। मूंगफली बन जाए? हाँ, बादाम को मूंगफली बोलते हैं। मूंगफली में दाना नहीं, हम तुम्हारे मामा नहीं। मामा गए दिल्ली, दिल्ली से आए, दो बिल्ली एक बुल्ली का पूछ नहीं, दीपक राज का मूछ नहीं। मेरा मूछ है। इसको बहुत अच्छे से सीखना होता है, क्योंकि फिर यहाँ पे चले मिलते हैं बनने के बाद। तो गाइस ये देखो मेरा बेसन का पकोड़ा रेडी हो गया है, और ये भी थोड़ा सा दो तीन यहाँ पे बनाया है, तीन यहाँ पे बनाया है, हम लोग है तीन हो गए हैं छः, और ये बच गया है, इसको हम बाद में बनाएंगे। ना बकवास मत करो, बेसन है। तो गाइस मेरा बैगन का भाजा भी हो गया है, यहाँ पे चटनी भी है, ठीक है। और ये है मेरे यहाँ डोगा, ये मेरा भात, मेरा चावल, ये है दाल। अब यहीं पे वीडियो भी हो जाता है एंड, अब मैं खाऊंगी, सॉरी आप नहीं खा पा रहे हो, क्या करे बस। तो गाइस अब मैं खाना खाती हूँ, ठीक है। और हाँ, इसी तरह से हमारा ब्लॉग यहीं पे एंड हो जाता है। थैंक यू सो मच यहाँ तक देखने के लिए, जल्दी मिलेंगे नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय, आई लव यू और बाय।